राजस्थान की विधानसभा चल रही है और इस विधानसभा का कल प्रश्नकाल था। प्रश्नकाल में कांग्रेसी नेता विधायक और मंत्रियों से प्रश्न पूछे गए थे और उनके उनको जवाब भी देने थे। इसी बीच लगातार गर्मी का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा था और गर्मा गर्मी के माहौल के बीच में कुछ ऐसे सवाल भी उठते हुए नजर आए थे जिनके जवाब देना कांग्रेसी मंत्री विधायक और साथ ही साथ बड़े बड़े नेताओं के लिए भारी पड़ता हुआ नजर आया है। बातचीत करें अगर हम इस प्रश्नकाल की विधानसभा के अंदर, तो इसके अंतर्गत बलजीत यादव जो निर्दलीय विधायक हैं वह और शकुंतला रावत कांग्रेस की उद्योग मंत्री, यह दोनों कल आपस में आमने सामने होते हुए नजर आए हैं। यह प्रश्नकाल काफी अहम देखने को मिला है जिसमें प्रश्न पूछा गया बलजीत यादव के द्वारा और प्रश्न क्या था कि रिगो की भूखंड देते हैं तो क्या कोई मॉनिटरिंग भी की जाती है या नहीं की जाती, और जब नोटिस दे दिया जाता है तो क्या नोटिस देने से काम हो जाता है। इसके ऊपर आखिरकार गर्मा गर्मी का माहौल किस प्रकार से तब्दील हुआ है और वहीं दूसरी ओर शकुंतला रावत का क्या कुछ कहना इसमें सामने आया है, सीधा आप सभी को इस रिपोर्ट से रूबरू करवाता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि आप रिको के भूखंड देते हैं अलग अलग प्रयोजन के लिए, तो क्या कोई मॉनिटरिंग भी की जाती है, क्या कोई चेक करने का कोई सिस्टम है क्या आपके, जैसे भूखंड इंडस्ट्री लगाने के लिए दिया तो कहीं मॉल बन गया, कहीं से प्रश्न पूछे आपका स्पेसिफिक प्रश्न। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये इस प्रकार से भूखंड आप किसी और प्रयोजन के लिए देते और काम के लिए देते हैं और कोई दूसरा काम उस पर करता है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपने क्या उपाय कर रखे हैं या कोई उपाय करेंगे? जब कोई भूखंड किसी इन्वेस्टर्स को किसी पर्सनल एक पर्टिकुलर एक विभाग का नाम दे करके, एक मैसर्स का नाम दे के जब भूमि आवंटित होती है, तो फिर वो अगर उसका वो बिजनेस नहीं चल रहा है तो वो उसको भूमि रूपांतर कर सकता है। तो इस जो भी ये इस तरीके की भूमि आवंटित होते हैं उनकी टाइम टाइम पे जांच भी होती है और इसकी टाइम टू आर डेट वाइज जाँच के जो संलग्न कागज हैं वो माननीय सदस्य को उपलब्ध भी करवा दिए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ये भी जानना चाहता हूँ कि मेरे नीमराणा में बहुत से आप प्रश्न एक स्पेसिफिक पूछ रहे हो, जनरल पे जा रहे हैं, आप सीधा प्रश्न पूछिए इस प्लॉट पर ये हो गया इसकी क्या कार्रवाई है, आप कहाँ जा रहे, समझ में नहीं आया मेरे को। मैं दो प्लॉट का पूछा, एक प्लॉट के बारे में लिखा, आप क्या प्रश्न पूछ रहे कहीं पर? अध्यक्ष महोदय, मैं मान लिया आपने, अध्यक्ष महोदय बैठो चुपचाप, मैं ये जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से मंत्री जी से, आपने कहा कि हम नोटिस देते रहे तो मैं लालच में आ गया था, कैसे बहुत से काम हो रहे हैं, प्रश्न पूछे प्लीज। मैं ये जानना चाहता हूँ कि नोटिस देते रहे तो इन नोटिस पे क्या कार्रवाई अब तक हुई और क्या नोटिस देने का ही काम आपका विभाग करेगा या उसके ऊपर कोई कार्रवाई भी होगी? समय समय पर नोटिस देने के बाद में जो वो मालिक है उसने अपनी एप्लीकेशन लगाई लैंड चेंजिंग के लिए, लेकिन उससे पहले ही जब कार्रवाई कोई करते या उसको चेंज करते उससे पहले ही माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एक रिट पिटीशन लगा दी गई, उसके कारण से वो कार्य वहीं पर रुकावट उसमें आ गई और जैसे ही सर्वोच्च उच्च न्यायालय का जो भी फैसला है वो उस आधार पर निर्णय करके कार्रवाई की जाएगी। अगला प्रश्न। फिलहाल तो इस रिपोर्ट के अंदर इतना ही, बने रहिए न्यूज 19 के साथ, नमस्कार।